जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है और आज गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार की तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखें, मेरे मालिक मेरे महादेव। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी आज शिवरात्रि के मौके पर ये गुरुजी का जो सत्संग है ना, ये बहुत प्यारा सत्संग अपलोड हो रहा है आज। संगत जी ये सत्संग बहुत खूबसूरत सत्संग है। संगत जी आज ये आपने इसका टाइटल देखा, इसका टाइटल ही बड़ा प्यारा सा है कि गुरुजी मेरा घर छोटा है तो कैसे आपका सत्संग करूं। ये बात संगत जी लगभग 85% संगत के मन में आती है बार बार कि गुरुजी हमारा घर बहुत छोटा है, फ्लैट बहुत छोटा है, कैसे आपका सत्संग करें। संगत जी इसको देखे बहुत छोटा सा सत्संग मुझे याद आ गया, मैं आपका शेयर करता हूँ। हमारे सूरत में आशु कक्कड़ आंटी, उनके यहाँ पे पहला सत्संग था तो उनकी भी यही सोच चल रही थी कि मेरा घर बहुत छोटा है, 2 BHK का घर है, कैसे इसमें सत्संग होगा। ओके, अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, आंटी का सत्संग हुआ। संगत जी उनके हॉल के अंदर डाइनिंग हॉल है जो, उसमें एक सैटी बनी हुई है। सैटी पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बंदे ही आराम से बैठ सकते हैं, कम्फर्टेबल, उससे ज़्यादा उसमें भी बंदे नहीं बैठ सकते। संगत जी जिस दिन सत्संग था उनके घर उस दिन उन सैटी के ऊपर कितने बंदे बैठे थे, जब हमने उस फोटोग्राफ को खींचा गया वहाँ पर और बाद में काउंटर, उस सैटी के ऊपर संगत जी जिसपे 7 से 8 सुपर बंदा बैठ ही नहीं सकता, उस पर संगत जी गुरु जी ने 37 संगत बिठाई थी। 37 संगत उस सैटी के ऊपर बैठी हुई थी और ये अनबिलीवेबल था अपने आप में। तो संगत जी गुरु जी कब किस घर को बड़ा कर देते हैं ना सत्संग में, ये कोई नहीं जानता। चलिए बात करते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बड़ा प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया संगत जी गुरु जी की बहुत प्यारी और बहुत लाडली, वो गुरु जी को बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेमिका की तरह कह लो, एक बेटी की तरह कह लो, गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उन्होंने ये सत्संग अपना शेयर किया है भूमि नागपाल आंटी ने दिल्ली से। हाँ जी, भूमि नागपाल आंटी ने ये सत्संग अपना गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आज शेयर किया है। इस सत्संग के अंदर एक चीज़ और है संगत, सत्संग के अंदर एक बहुत प्यारा सत्संग आंटी का है जिसकी कैसे उनके अंकल उनके हस्बैंड की दुकान जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है गुरुजी ने उसको बचाया, वो सत्संग भी आंटी का इसी के अंदर ही आंटी ने अपना भेजा है। बहुत प्यारा सत्संग पूरा की पूरा बना है संगत जी। और वापस मैं आपको बता रहा हूँ, इस संगत सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से भूमि नागपाल आंटी जी ने। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बोलूँगी और सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को यही कहना चाहूँगी, गुरु महाराज सबसे ज़्यादा अनंतम 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 शुक्राना आपका, जो आपने हमें इस लायक समझा कि मतलब हम एक इंसान है, हम गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे गुरु महाराज को पता होता है कि ये मेरे बच्चे हैं और अगर ये कुछ गलत कर भी रहे हैं इनको नहीं पता कि आगे जाके इस चीज़ का क्या परिणाम निकल सकता है। तो संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो कहते हैं बस तुम सरेंडर कर दो। वो देखते हैं, वो उनको पता है कि हम गलतियां करते हैं लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी कभी नहीं छोड़ते। और जब वो हमारा हाथ थाम लेते हैं तब हमें किसी चीज़ की वो कमी नहीं होने देते।
हमारी परेशानियों को वो किस तरह से, किस तरीके से स्मूथली निकाल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, सबसे पहले भैया का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम अपने, हमारे मन की बात जो हमारे दिल में है वो हम बोल सकते हैं, और बोल वही सकते हैं जो हमारे गुरु महाराज हमसे बुलवाना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपका, आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने गुरु जी को बोला था, गुरु जी हम आपको मानते हैं, पर हम आपको सही तरीके से, क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें, हमें इतनी अच्छी दाद दी हमारे गुरु महाराज ने, हमें ये इंसानी जन्म दिया, हमें इंसान बनाया, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो संगत जी, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक रात को मैं कह के सोई थी, गुरु जी मैं अब सुबह जल्दी उठ के ना 6 बजे उठ के मैं आपका, आपके लिए जितना कर सकूं मैं उठूंगी, मैं मंत्र जाप करूंगी, है ना, क्योंकि हम लोग अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि बस सुबह ठीक है जब उठ रहे हैं तब उठ रहे हैं, जब हुआ तो कर लिया मंत्र जाप, जब भी हुआ, ऐसे तो गुरु जी कहते हैं जब कभी भी कर लो, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, लेकिन करना हमें है। तो संगत जी, मैं रात को कह के सोई और अलार्म लगाया, और सुबह अलार्म बजा, मैं फिर नहीं उठी। आलस, इंसान है ना, आलस है, मैं आज भी कहती हूँ मेरे अंदर बहुत आलस है, बहुत ज़्यादा आलस है, गुरु जी जानते हैं। तो सुबह मैं उठी, मैं फिर लेट हो गई, मेरे से नहीं, मैंने से मुझसे हुआ ही नहीं, मैंने करा ही नहीं, क्या करूँ, गलती हो गई। अब संगत जी, उसी दिन, अगले ही दिन, एक आंटी जी हैं, ज्योति आंटी जी, वो सत्संग वगैरह करते हैं, तो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली थी कि आंटी आप आना, मैंने अपने घर पे मतलब गुरुजी का सत्संग रखा है 1 घंटे का। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बाद में बोली कि मैंने बहुत कम लोगों को बोला था, शायद जिनको गुरुजी ने बुलाना हो, क्योंकि उनके ज्योति आंटी के घर पे गद्दी है गुरुजी की। तो संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि मुझे आंटी ने बुलाया था 3 से 4, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, मेरी बेटी अभी 11th में आई है, कल उसका रिज़ल्ट आया है, एंड शी स्कोर 96% ऑल ऑफ गुरुजी ग्रेस, थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी को इतना दाद देने के लिए, इतना अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए उसका। तो संगत जी, मैं वहाँ गई, तो मैं अपने बच्चों के साथ जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर कोई भी नहीं, आप मानेंगे कोई भी नहीं, सत्संग हो रहा है, सर ज्योति आंटी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी और मैं और मेरे बच्चे बस। तो हमने सत्संग अटेंड किया, मतलब हम गिनती के 4 लोग, 4-5 लोग जो भी। तो सत्संग जब ख़त्म हुआ, सब कुछ समाप्त हुआ, तो ज्योति आंटी के घर में गद्दी है, तो मैं बैठी हुई थी, तो ज्योति आंटी आए, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी कि क्या हुआ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत परेशान थी तब। संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना दिक्कत थी कि मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरे जो हस्बैंड की शॉप है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो वक्कर बोर्ड की है, और वहाँ से उनको नोटिस आया हुआ था कि आप, मतलब हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, तो आप ये, मतलब ये एक्चुअल में डेट है, आप स्टे लाओ वरना अगले ही दिन आप भी खाली करो। अब गिनती की मुश्किल से 10-15 दिन बचे थे उस डेट को आने में, मैं टेंशन में थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे। संगत जी, मैं वहां गई तो मैं परेशान थी, तो मुझे और भी ऐसी, तो और भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, मैं बहुत परेशान चल रही थी। तो मेरे को ज्योति आंटी ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तब भी कुछ नहीं है। और हकीकत में तो मैं रो पड़ी, मैंने कहा हाँ आंटी ऐसी बात है, मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अधूरापन है, पता नहीं क्यों परेशानियां हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, बेटा देख तू अमृत वेला कर। तो संगत जी, आप ये देखो कि जहाँ मैंने बोला था गुरु जी को, गुरु जी मैं सुबह उठूँगी, और मैं उठी नहीं आलस की वजह से, तो गुरु महाराज ने उसी दिन ज्योति आंटी के मुँह से ये चीज़ कहलवाई कि बेटा
तू उठ, तू अमृत वेला कर, अमृत वेला करेगी सारी परेशानियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे गुरु महाराज की लीला इतनी अच्छी, क्या बोलूँ मैं, मतलब बोलते बोलते भी आंसू आ जाते हैं कि वो मतलब हम लोग सोचते हैं वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुनते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, वो एक समझाने का उनका तरीका अलग होता है, बहुत निराला होता है। तो संगत जी उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैंने कहा कैसे करना है आंटी, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया आप ऐसे ऐसे करो, 2:30 बजे उठो, तीन से 6 बजे तक अमृत वेला का टाइम होता है, आप करो अमृत वेला। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो मेरे गुरु महाराज ने बोला देख तू उठी नहीं ना आज, तो मैं तेरे को अब रोज़ उठाऊंगा, अब तू देख। तो संगत जी मैंने बोला कि मैं 40 दिन करूंगी, ऐसा मेरे मुँह से निकला। लेकिन शायद आप मैं सोचती हूँ कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 40 दिन, हमें एक ड्यूरेशन नहीं बांधनी चाहिए, कभी भी ड्यूरेशन नहीं बांधनी चाहिए कि हम इस दिन करेंगे, हम इतने दिन करेंगे। क्योंकि देखो भगवान को जब हम याद करते हैं तो उस चीज़ के लिए हम क्यों टाइम बांधें, नहीं बांधना चाहिए कि हम 40 दिन करेंगे, हम 2 दिन करेंगे, नहीं। हमें गुरु महाराज पे छोड़ देना चाहिए, उनको उठाना हो गुरु महाराज उठाएंगे, गुरु महाराज सब कुछ करवाएंगे, अपने आप करवाएंगे संगत जी। तो मैं आई, मैंने अपना अमृत वेला स्टार्ट किया और सडनली मतलब पता नहीं चला कैसे, एक बार सुबह अमृत वेला मैंने फिनिश किया, गुरु जी को भोग लगाया, मैं सुबह वॉक कर रही थी ऊपर, तो 6 बजे मैंने कॉल किया ज्योति आंटी को, क्योंकि वो भी अमृत वेला करते हैं। तो मैंने कहा ज्योति आंटी अब आप ही मेरा सहारा हो, क्योंकि सुबह तो आप ही उठते हो तो मैं किससे बात करूं। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आंटी मेरा घर ना छोटा है तो सत्संग मेरे को शर्म आती है, मैं कैसे बुलाऊंगी सबको अपने घर में, मतलब हर किसी के मन में होता है तो कैसे होगा क्या होगा। तो ज्योति आंटी ने मुझे ये चीज़ समझाई कि बेटा देख गुरु महाराज सिर्फ प्यार देखते हैं, भाव देखते हैं, सारी तैयारियाँ तो वो खुद ही करते हैं, तो इस चीज़ में मैं कौन होती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये चीज़ सोचूं कि मैं करवाऊंगी कैसे करवाऊंगी, अरे मेरी तो कोई औकात नहीं। तो जब मैंने ये बात की तो उन्होंने समझाया, तो मैंने कहा नहीं आंटी मैं सत्संग कराऊंगी अपना घर में ही, और अपने ही घर में, इसी घर में कराऊंगी। जिस दिन मैंने ये चीज़ उनको बोली, उसी दिन बात करते 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 मेरे मुँह से निकला कि मेरी एनिवर्सरी है, 6 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी है। तो आंटी ने कहा तो तू पागल है, तू अभी क्यों नहीं करवाती सत्संग, फिर तू कहाँ सोच के बैठी है 40 दिन बाद कराएगी। तो मैंने कहा आंटी एकदम से 5 दिन में कैसे तैयारियां हो जाएंगी सारी। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी अपने आप करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला और मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी। तो संगत जी आप मानोगे, एक देखो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा फाइनेंस का बहुत दिक्कत होता है कि पैसे इकट्ठे करना। देखो कम से कम 10 से 15 हज़ार लग ही जाता है जब आप पहली बार करवाते हो, तो ये चीज़ तो हमें सोच के चलनी ही पड़ती है। तो पता नहीं कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे हस्बैंड ने भी हाँ कर दी, सब कुछ हमने बहुत अच्छे खुशी तरीके से, गुरु महाराज मेरे घर पे आए, गुरु महाराज की गद्दी 3 दिन तक मेरे घर पे रही, फिर सब कुछ हो गया। तो उस चीज़ को मुझे खुशी है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी बात सुनी और मुझे कि आप मानोगे संगत जी, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी, जिस दिन मैंने अमृत वेला करना स्टार्ट किया था, पहले दिन एक पेपर था वो दुकान का, जिस दुकान के लिए मैं परेशान हो रही थी, वो पेपर नहीं मिल रहा था और वो पेपर मेरा अमृत वेला करते ही पहले ही दिन मुझे, मैंने कितनी बार फाइलें खोल के देख ली थी, मुझे वो पेपर नहीं मिला था। लेकिन जिस दिन मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया, पहले ही दिन पता नहीं शाम को 7 बजे गुरुजी ने कहा खोल, दोबारा फाइलें खोल, जैसे मुझे बोला, मुझे कमांड किया खोल मिलेगा। और जिस दिन मैंने करा और मैंने खोला तो मेरा पेपर मुझे उसी में मिला। तो शुक्राना गुरु महाराज। तो आप ये देखो कि क्या गुरुजी सुनते नहीं हैं क्या, और मेरे मुझे ज्योति आंटी ने एक ही चीज़ कही थी, क्या तू क्या गुरु महाराज को पता नहीं है कि अगर उस दुकान से रोटी चल रही है बच्चों की, तो ऐसे कैसे वो अपने बच्चों को भूखा छोड़ देंगे। तो ये बात सच है। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी गुरुजी कि अगर मैं महिमा गाती रहूँगी, तो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, कहाँ मैं सोचा था 40 दिन के बाद सत्संग कराऊंगी, कहाँ मेरे गुरु महाराज ने 15 दिन के अंदर अंदर ही अमृत वेला स्टार्ट करने के मेरे घर में सत्संग हुआ। इतनी मेरे गुरु महाराज ने मुझे दाद बख्शी, इतना मेरे को इज्जत बख्शी, अनंत शुक्राना गुरुजी। और हाँ मैं जो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके बाद इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे गुरु महाराज ने इतना दिया
थैंक यू गुरु जी एंड लव यू लव यू। और हाँ संगत जी, आखिरी में एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे आज अभी एक वीडियो अपलोड हुई है आंटी की कि कर्ज में डूबे हुए थे और उन आंटी ने ऐसा गुरु जी को बोला। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी आप सबको बटरफ्लाई दिखाते हो, मुझे भी बटरफ्लाई की दिखाओ ना। तो संगत जी आप मानोगे, मैंने भी आज बोला गुरु जी को, गुरु जी वैसे ही बोला था, गुरु जी आप मेरे को भी दिखा दो बटरफ्लाई, फिर दिखा दो ना प्लीज़। संगत जी आप मानोगे, शाम को मैं चाय पीने बैठी हूँ और मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे कुछ खाने को ला के दे बेटा, मेरा ना मुँह कुछ कड़वा कड़वा हो रहा है, कुछ मुझे कुछ चिप्स ला के दे खाने को। तो मेरा बेटा चिप्स लेकर आया और मैंने जब वो पैकेट खोला तो संगत जी उसमें से उसमें पिंक कलर की क्लिप निकली, वो भी बटरफ्लाई की, इतनी सुंदर क्लिप, इतनी सुंदर क्लिप। तो आप मानोगे, गुरु महाराज को मैंने ऐसे ही बोल दिया, गुरु जी प्लीज़ आप कहते हो कि सब जिस पर ब्लेसिंग्स होती हैं आप सुन लेते हो, मतलब मैं क्या मैं इस लायक हूँ, एक्चुअल में हूँ जो मेरे गुरु महाराज ने एक बार में सुन लिया, मैंने बोला और मेरे गुरु महाराज ने तितली के उसमें पिंक कलर की तितली का क्लिप दिया, तो इतने सुंदर है ना, मैं उनकी फ़ोटो को इतनी किसिस कर दी क्योंकि मैं उनको अपने पिता, अपना प्यार, अपना भाई, सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। तो मैं शर्म नहीं करती क्योंकि मुझे उनसे डर नहीं लगता, मैं उनको अपना मानती हूँ, वो मेरा प्यार है। मैं उनको किसिस कर दी उनकी फ़ोटो में क्योंकि मुझे प्यार आता है उन पर, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने एकदम से सुन लिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, और ऐसे ही सब पे अपने ब्लेसिंग्स देना, कुछ भी हो रहा हो गुरु संगत जी, मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलूँगी, आप उनको बस एक ही बार बोल देना प्यार से, दिल से, गुरु जी बस हमें संभाल लो। वो देखो कैसे नहीं संभालते। थैंक यू संगत जी इतना टाइम सुनने के लिए, इतना टाइम गुरु महाराज ने जो बुलवाया बस मैंने बोल दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।